हेलो स्टूडेंट, आज हम ये देख रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है ना, अभी क्या है, 3 मंथ है, फरवरी में एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, इसमें क्या है, आपके पास 3 मंथ है। टोटल हमारे पास कितने मंथ, 3 मंथ। नवंबर हो चल रहा, दिसंबर, और क्या होगा, जनवरी, फरवरी में हमारे क्या होंगे, एग्ज़ाम होंगे। तो क्या हो, टोटल अगर देखा जाए हमारे पास सिर्फ 3 मंथ ही है। टोटल क्या है, 3 मंथ। ठीक है ना, लास्ट फरवरी में होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब इसको कैसे, हमें सारे चैप्टर को कवर अप कैसे करना है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, अभी रिवीजन का टाइम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, रिवीजन करना, और उसमें क्या है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, उसको सारे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हम बात करें थोड़ा साइंस की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, सबको प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में। ठीक है ना, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे आयुपेशी नाम उसको करते हैं, आयुपेक नाम कैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, अगर हम लोग बात करें हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हमारे पास हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, सेचुरेटेड होते हैं, एक क्या होता है, अनसेचुरेटेड होता है। हमारा फर्स्ट वन क्या है, सेचुरेटेड, यानी हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास दो तरह का, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और क्या है, एक अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड मीन्स क्या होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है ना, यहीं पे अगर हम बात करें अनसेचुरेटेड की बात हो, तो उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या होता है, सेचुरेटेड होता है, दूसरा क्या होता है, अनसेचुरेटेड होता है। दो तरह का हमारा हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड और क्या होता है, अनसेचुरेटेड है। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, जो सेचुरेटेड होता है उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और क्या अनसेचुरेटेड उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, और क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, ये देखना, हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, हम पहले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एल्केन फैमिली। क्या है, एल्केन फैमिली। ठीक है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, दिस इज द फार्मूला ऑफ एल्केन फैमिली। ठीक है ना, जैसे सारा एल्केन है, वो सब चीजें क्या है, इससे बना है। ठीक है ना, एल्केन एन जो वेर एन क्या है, इसमें एन क्या है, वन से लगा के क्या होता है, 1, 2, 3, ऐसे नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है ना, अनसेचुरेटेड कार्बन में जो हमारा एल्केन फैमिली है, उसको CnH2n+2 करते हैं। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब हम n इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या हमारा बनता है, मेथेन बनता है, CH4। ठीक है ना, CH4 क्या है, जो इसमें कार्बन है, कार्बन है वो हाइड्रोजन से क्या है, मिलके बना होता है। ठीक है ना, ये ऐसे क्या होता है, इसके साथ बॉन्डिंग में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से बना होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन जो इसमें लगा होता है वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। ठीक है ना, कार्बन के क्या होता है, उसको -4 जो होता है, सी कार्बन जो कार्बन होता है उसका क्या होता है, 6C कार्बन 12 होता है, जिसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ठीक है ना, अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होंगे। ठीक है ना, और जो बाय चांस न्यूट्रॉन भी क्या होता है, इसमें 6 ही होता है। ठीक है, जो मास नंबर बनता है, मास नंबर यानी एटॉमिक मास जो बनता है, वो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर ये ऐड हो जाएंगे तो ये क्या होगा, 12 हो रहा है, तो ये इसका क्या है, मास नंबर। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी सेम, क्योंकि एक न्यूक्लियस में क्या करता है, ऑर्बिटल में क्या करते हैं, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके क्या होता है, सरकमफ्रेंस में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं।
न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे होते हैं। जो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, एक न्यूट्रल चार्ज लिया होता है, यानी ये वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। बहुत डिस ये क्या है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन है। हम इतना डीप में नहीं जाते, हम पहले कार्बन के बारे में जानते हैं, यानी सी एच फोर जो बना हुआ है, जिसको हम लोग मेथेन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, मेथेन बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, कार्बन से ऐसे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड होगा पहले ये जानते हैं। ये इसका हाइड्रोजन है। सपोज हाइड्रोजन के पास एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसमें के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन। जो हमारा कार्बन है उसके पास भी बाई चांस यहाँ पे क्या है, फोर इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन एक बॉन्डिंग बना लेता है किसको लेके, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। अगर ये बॉन्डिंग कर रहा है तो यहाँ पे जो अपना कार्बन है वो भी बॉन्डिंग कर लेता है इसके साथ, लाइक दिस, ठीक है ना। इनके आउटर में, कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में क्या है, आठ इलेक्ट्रॉन, सॉरी फोर इलेक्ट्रॉन है, तो उसको फोर की जरूरत होती है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.6 होता है, इसको कहीं से कहीं ना कहीं से क्या होता है, इसका या आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए आठ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको एट इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये हाइड्रोजन से एक एक करके इससे एक ले ले रहा, शेयरिंग कर रहा, इससे कर रहा, इससे कर रहा, इससे कर रहा, सेम की शेयरिंग कर रहा है। हाइड्रोजन भी ले रहा है, उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, हाइड्रोजन के, ये तो कार्बन की बात हो गई, यहीं पर अगर हाइड्रोजन होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन होता है, उसको कहीं ना कहीं से वन की जरूरत होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको वन की जरूरत होती है, तो वो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अगर सेम पेयरिंग से बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज द कार्बन, ओके। कार्बन से बन कोवेलेंट, तो इसको आप हम सिंपली क्या है, सी एच सिंगल बॉन्ड एच, और ये सिंगल बॉन्ड एच, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने कार्बन शेयर कर रहा है इससे हाइड्रोजन के साथ सेम है, वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके पेयरिंग बना रहा है, सेम कार्बन उसके एक साथ दे रहा, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका एक क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे एडेड है, अभी और डिटेल में देखते हैं। सी हमने बात करी थी एल्केन फैमिली, ठीक है ना, हमने बात करी थी एल्केन फैमिली, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस टू होता है, ठीक है ना, सी एन एच टू एन प्लस टू होता है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन को इम्प्रूव करते जाओगे, एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन हंड्रेड वन थाउजेंड, तो उसी तरह उसका नॉमन क्लेचर क्या होता है, एल्केन फैमिली का चेंज होता जाएगा। अगर हम एन इक्वल टू वन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, सी एच फोर। एन इक्वल टू टू लेते हैं तो सी टू एच सिक्स होता है, यहाँ पे क्या है, सी थ्री एच एट बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, सी फोर एच कितना बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी लिखेंगे, टेन होगा। यहाँ पे क्या होगा, सी फाइव एच ट्वेल्व होगा, सी सिक्स एच क्या होगा, फोर्टीन होगा। हम इसको क्या बोलते हैं, मेथेन, क्या बोलते हैं इसको, मेथेन, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज द एथेन। इसमें दो कार्बन है इसलिए एथेन हो गया। थर्ड वन क्या है, तीन कार्बन हो तो क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेन। इसमें चार कार्बन हो तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। पांच कार्बन होगा तो क्या होगा, पेंटेन। सिक्स कार्बन हो तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा, इसका जस्ट इसका नाम, इसमें अगर एक कार्बन से बना है उसको क्या बोलते हैं, इसमें सिर्फ एक कार्बन है तो इसको क्या, मेथेन। इसमें दो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन दो है तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इसमें थ्री कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसमें फोर कार्बन है तो ब्यूटेन। पांच कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन।
सिक्स कार्बन हो तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ओके आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, इस फार्मूले में एन इक्वल टू वन पुट कर दिया, यहाँ पे एन इक्वल टू क्या टू पुट कर दिया, एन इक्वल टू यहाँ पे थ्री पुट कर दिया, और एन इक्वल टू यहाँ पे क्या कर रहे हैं फोर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या रहा है एन इक्वल टू क्या कर रहे हैं आप फाइव कर रहे हो, और यहाँ पे एन इक्वल टू क्या कर रहे हो सिक्स कर रहे हो। तो कार्बन यहाँ पे सिक्स है, तो इसका फार्मूला अगर इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे एन इक्वल टू सिक्स, तो आपका क्या आ जाएगा C6H14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, C6H14 आएगा। कैसे आया अभी देखते हैं इसको। अभी देख ले रहे हैं, ठीक है ना। ओके सपोज यहाँ पे क्या है एन इक्वल टू क्या कर रहा मैं सिक्स पुट कर रहा, तो यहाँ पे क्या होगा CnH2n+2, ये इसका क्या है एल्केन का फॉर्मूला है सी, ठीक है ना। CnH2n+2 एन इक्वल टू जो एन है इसमें टू पुट करना, तो क्या हो जाएगा सिक्स, सॉरी तो C6+2 इंटू क्या हो जाएगा एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है टू एन है, तो टू इंटू एन होगा तो क्या होगा सिक्स हो जाएगा, प्लस टू है तो यहाँ पे टू रहेगा, देन ये क्या हो जाएगा C6, ये क्या होगा H12+2, देन ये फाइनल क्या बन जाएगा C6H14। दिस इज द फार्मूला ऑफ हेक्सेन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हेक्सेन बोलते हैं। जैसे जैसे बहुत इजी है, आप कार्बन N की वैल्यू नंबर ऑफ N इंक्रीज करते जाओ, N इक्वल टू सिक्स है तो हेक्सेन हो जाएगा, अगर N इक्वल टू 55 होता तो यहाँ पे क्या बनता पेंटेन बनता, ये वाला क्या बनता ये वाला बनता पेंटेन बनता, ठीक है ना। जैसे जैसे आप N की वैल्यू कम ज़्यादा करते वैसे आपको मिल जाएगा, अगर 3N इक्वल टू 3 करोगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेन बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोपेन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बोला जाएगा इसको प्रोपेन होगा। ओके अभी तक हमने क्या किया सिक्स तक किया, इसके आगे करते हैं अभी। एन इक्वल टू सिक्स, अभी क्या करना पड़ेगा एन इक्वल टू सेवन, है ना। यहाँ पे क्या होगा C7, C8, यहाँ पे क्या होगा C9, S20, C10, S22। आपके सिलेबस में इतना बहुत आसान है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हेप्टेन बोलते हैं, हेप्टेन। इसको क्या बोला जाएगा ऑक्टेन, दिस इज नोन एज द ऑक्टेन, ठीक है ना ऑक्टेन, सॉरी गलत हो रहा ऑक्टेन, इसका क्या नाम होगा ऑक्टेन, ये वाला क्या होगा नोनेन, इसका क्या हो जाएगा डेकेन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा डेकेन, हमने यानी n इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट किया होगा n इक्वल टू, अगर आप n इक्वल टू क्या करो सॉरी n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना है आपको, द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा n इक्वल टू क्या हो सेवन होगा, यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा एट आएगा, यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा नाइन होगा, यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा टेन होगा, तो क्या हो जाएगा आपका डेकेन मिल जाएगा। ये पूरी कंप्लीट फैमिली हो रही है एल्केन की, अभी कंप्लीट नहीं हो रही, अभी इसके जगह 11 भी होगा, 12 भी होगा, 13 होगा, ऐसे 1000 तक होगा, बहुत सारा होता है। सी हमने ये देखा, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, तो आपको सिंपल एल्केन का जो होता है ये दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको क्या कहा C, CH4, C2H6, C3H8, है ना, ये सारा चीज़ें इसको हमने कर लिया, 10 तक कर लिया, इसको क्या बोलते हैं एल्केन फैमिली। ओके नेक्स्ट वन हम आता है एल्कीन, अनसैचुरेटेड है ये, एल्कीन में क्या होता है CN, इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n। सपोज हमारे पास क्या है, इसका स्टार्टिंग में होता है सेकंड से होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप इसी को क्या होता बहुत आसानी से लिख, ये क्या है, ये क्या है एथीन, इसको क्या बोलेंगे प्रोपीन, ई एन ई एड हो रहा है, यहाँ पे क्या है रहा है ई एन ई एड हो जा रहा है,
एल्केन में क्या ऐड हो रहा है, एन ई हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं एल्केन, ठीक है ना। यहीं पे अगर ई एन ई ऐड होता है, ई एन ई, तो इसको क्या बोलते हैं एल्कीन, ठीक है ना। यहां पे क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है क्या? सी, जब हम लास्ट में क्या करते हैं एल्केन एन ई ऐड करते हैं तो उसको एल्केन बोलते हैं, सिंपली ई एन ई ऐड करते हो तो एल्कीन, क्या हो जाएगा एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकिन, ऐसे जाएगा। ओके, यहां पे क्या होगा सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस डबल बॉन्ड सी एच टू, इसको क्या बोला जाएगा प्रोपीन। यहां पे तीन कार्बन है, ठीक है ना, यहां पे तीन कार्बन है, वन टू थ्री, ये पहला कार्बन है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, वन टू थ्री, तो इसमें क्या होगा तीन कार्बन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो n इक्वल टू थ्री पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू थ्री, तो यहां पे क्या आ जाएगा C3H6, ये आ जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। अब मैं आपको एक्सपैंड कर दिया यहां पे, तो यहां पे क्या होगा n इक्वल टू टू करोगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री करोगे तो यहाँ पे थ्री और टू थ्री जा सिक्स तो एच इक्वल टू सिक्स, यहाँ पे तीन तीन कार्बन है, हाइड्रोजन तीन एक चार दो छः सिक्स हो गया, टोटल क्या हो गया हाइड्रोजन सिक्स आ रहा है, हाइड्रोजन कितना आ रहा है सिक्स आ रहा है। अगर एल्कीन को और अच्छे से देखना है तो कैसे देख सकते हैं एल्कीन, इसमें फार्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन, ये होता है, ठीक है ना। पहला n इक्वल टू वन से रखने से कोई फायदा नहीं, n इक्वल टू वन रखेंगे तो क्या सी एस थ्री आए सी एस टू आएगा, यस। पहला देखते हैं तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू टू रख देते हैं तो क्या आएगा सी टू एच फोर, फिर दूसरा क्या आएगा सी थ्री एच सिक्स, सी फोर एच एट, सी फाइव एच टेन, सी सिक्स एच एच ट्वेल्व, सी सेवन एच फोर्टीन, ठीक है ना। इसका क्या नाम होगा एल्कीन नाम होगा, दिस इज द एल्कीन एंड दिस इज द प्रोपीन, यहां पे क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ब्यूटीन, ई एन ई ऐड हो रहा है, ब्यूटेन की जगह ई एन ई ऐड हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा यहां पे पेंटीन, यहां पे क्या आ जाएगा हेक्सीन, हेप्टीन, ठीक है ना। अभी कैसे आया होगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे n इक्वल टू हमने क्या पुट करा टू, यहां पे n इक्वल टू क्या करा थ्री, यहां पे n इक्वल टू क्या करा फोर, यहां पे n इक्वल टू क्या करा फाइव, यहां पे n इक्वल टू क्या करा सिक्स, यहां पे n इक्वल टू क्या पुट करा सेवन। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू को चेंज करते रहो, दो कार्बन n इक्वल टू n जो क्या होता है दो कार्बन होता है, यहाँ पे फार्मूला क्या सी एन एस टू एन, सी एन एस टू एन यानी कि डबल होगा, जो हाइड्रोजन क्या होगा इसका डबल होगा। अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू टू कर रहे हो तो कार्बन इसमें दो है, हाइड्रोजन क्या डबल है यानी फोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से एल्कीन के फार्मूले से सी एन एस टू एन सी एन एस टू टू एन है सॉरी एस टू टू एन से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला क्या होगा एल्कीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन ऑक्ट हेप्टीन, नेक्स्ट वन क्या आएगा ऑक्टेन, ऑक्टीन आएगा, यस। सी इक्वल टू एट तो एट होगा यहां पे तो एच बराबर क्या हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा,
सी यहाँ पे क्या होगा, सी इक्वल टू यहाँ पे 9, तो एच इक्वल टू क्या होगा 18 हो जाएगा, और सी 10 होगा यहाँ पे, तो एच बराबर क्या होगा 20 हो जाएगा। ठीक है ना, इनका नाम जस्ट चेंज होता रहेगा। पहला वाले का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टीन, नोनीन, और यहां पे क्या हो जाएगा डेकीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा डेकिन 10 का हो जाएगा, सी या नहीं होता, सी या नहीं होता, जो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेकिन हो जाएगा, यानी एन इक्वल टू इसमें क्या करना है, एन बराबर जैसे जैसे अब वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो पहले एल्कीन, दूसरा प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, एक्जीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकिन हो जाएगा। ये क्या होगा, डबल डबल बांड है, इसमें क्या होता है डबल बांड यूज होगा, इसमें डबल बांड आता है। जैसे आप अगर सी एच है ना, यहाँ पे क्या होगा सी एच डबल सी एच टू डबल वन सी एच टू होगा। सेकंड वाला क्या होगा, ये क्या होगा प्रोपीन, यहाँ पे दूसरा वाला हो जाएगा सी एस थ्री सिंगल बांड सी एस ट्रिपल बांड क्या सॉरी डबल बांड क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बांड क्या आ जाएगा सी एस टू। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा ये प्रोपीन है, ठीक है ना, ब्यूटीन, ब्यूटीन के लिए क्या होगा सी एस थ्री सिंगल बांड सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस ट्रप डबल बॉन्ड सी एस टू होगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो यहाँ क्या होगा ब्यूटीन हो जाएगा, इसमें 3 कार्बन है, इसको ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनेगा। नेक्स्ट वन अगर हम नेक्स्ट वन की बात करें तो क्या हो जाएगा सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटीन, ओके, दिस इज द, इसमें 5 कार्बन 1 2 3 4 5, दिस इज द पेंटीन। नेक्स्ट वन हमारा आ सकता है सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस टू सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा सी एस टू, दिस बिकम हेक्सीन, ओके, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो तो क्या हो जाए हेक्सीन हो जाएगा, जैसे आपने अभी देखा। तो ऐसे हेप्टीन ऑक्टीन नोनीन, जस्ट इसमें क्या इम्प्रूव हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है एक सी एच टू है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 हो जा रहा है, आगे वाला 4 5 6 ऐसे सेम हो जा रहा, कहीं पे यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, ये ऐसे कैसे हो गया, सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच है, इसी तरह यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यानी कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था उसको आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से इसको 2 मिल गया, यहाँ पे एक एक मिल गया, तो अपना 4 बॉन्ड कंप्लीट कर गया, सेम ऐसे कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, उसको 4 बॉन्ड चाहिए, तो वो क्या हो गया, अभी हमने दो चीजें देख ली, एल्केन देख ली और एल्कीन। नेक्स्ट वन हम लोग क्या देखेंगे, एल्काइन।